हे वेलकम नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल. आई एम दिशा एंड दिस इज योर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस 083. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 एंड द मेनी टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 जस्ट लाइक लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरी. इन द प्रीवियस सेशन आई कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिक्शनरी एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट द सम प्रोग्राम रिलेटेड टू द डिक्शनरी. सो लेट्स गेट स्टार्ट. इन टू दिस टूडे सेशन वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट द प्रोग्राम दैट इज हैविंग द की and value. Again, key and value and so on. ये continue रहेगा हमारा. तो इस type के program को बनाने के लिए introduction मैं already आपको देख चुकी हूँ. अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो पहली class आप देखिए जहाँ से मैंने python का introduction start किया है. तो start करते हैं dictionary के कुछ programs. Like मैंने क्या किया, एन नाम का एक वेरिएबल लिया. वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं आता है तो भी आप फर्स्ट क्लास देखिए जाके उसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना उसके रूल और रेगुलेशंस के बारे में आपको बताया है कि क्या लिमिटेशंस होती है वेरिएबल डिक्लेयर करने की. एन नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने लिया इंट और इनपुट. इंट हमने क्यों लिया, क्योंकि जो वैल्यू हम एंटर कराएंगे वो इंटीजर वैल्यू होगी. ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम है हाउ मैनी स्टूडेंट्स. हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स के नेम एंटर कराएंगे और कोई कंपटीशन है कि किस स्टूडेंट ने कितने कंपटीशन वॉन किए हैं वो. तो इसमें क्या हो जाएगी, की क्या हो जाएगी, स्टूडेंट का नेम हो जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने कंपटीशन उसने वॉन किए होंगे वो. अगर आप इस प्रोग्राम को क्वेश्चन को नाम देना चाहते हो तो क्वेश्चन का नाम हो जाएगा राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग नेम ऑफ द कंपटीशन विनर स्टूडेंट्स एज की एंड द नंबर ऑफ देयर विनर्स एज वैल्यू. लाइक आई एम रिपीटिंग द अगेन, name of competition winner students as key and number of their wins as value. Okay, so there is a one variable named as n and we took integer data type and here we use the input statement. That's all. Iske baad hum logon ne ek competition winner naam ka ek variable already डिक्लेयर किया. क्यों, क्योंकि जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये हमारे प्रोग्राम में एरर ना दे. हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी क्या कर ली, क्रिएट कर लिए, किस नाम की, कंपटीशन विनर नाम की एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली है. अब जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसमें पुश होते जाएंगे यानी क्रिएट होते जाएंगे. ठीक है, अब हमने लूप चलाया फॉर ए इन रेंज. लूप चलाना अगर आपको नहीं आता है तो मेरी फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको फॉर लूप और वाइल लूप का इंट्रोडक्शन दिया है. यहाँ पे हमने लूप किसके ऊपर चलाया है, एन के ऊपर. एन क्या है, इंटीजर इनपुट जो हम स्टूडेंट के नेम यहाँ एंटर करेंगे. इतना क्लियर करने के बाद में हमने यहाँ क्या किया, की ली जिसमें हमने इनपुट कराया क्या, जैसा कि हमें एक की चाहिए और एक वैल्यू चाहिए है ना. तो की में हमने क्या लिया है, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिया है ना. तो हम लोग यहाँ पर क्या इनपुट कराएंगे, नेम of the students. Okay, इतना हमने input statement में मैसेज पास किया. उसके बाद में हमें value भी चाहिए, क्योंकि dictionary जो होती है वो keys and values का combination होती है. और values में हमें क्या enter कराना था बेटा, the number of competition they won. यहाँ हमने int क्यों नहीं लिया, क्योंकि name of the student alphabet में होंगे, string में होंगे, तो string यहाँ बताने की जरूरत नहीं होती है. string हम blank ले देते हैं, यानी कोई data type define नहीं करते. यहाँ पे हमें number of student the game that we won, तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के नंबर लिखने, तो हमने क्या लिया, इंटीजर डेटा टाइप लिया. अब इंटीजर में हमने इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया जिससे क्या हो सके, वैल्यूज एंटर हो सके. मैसेज क्या पास किया, नंबर ऑफ कंपटीशन वन, नंबर ऑफ कंपटीशन वन. ओके, इसके बाद में हमने कंपटीशन में जो कंपटीशन ऊपर वेरिएबल लिया था, ये वाला जो वेरिएबल लिया था यहाँ पे बेटा, इसमें हम उसको बताएंगे, ये ब्लैंक डिक्शनरी ली थी ना हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ उसको बताएंगे कि एक प्लेस की के लिए है और एक प्लेस वैल्यू के लिए है. ये हम इसको कॉल करेंगे दोबारा. हमने यहाँ पे इसको क्या किया, दोबारा कॉल किया कंपटीशन विनर्स. देखो जो फंक्शन को कॉल कर रहे हो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग अगर डिफरेंट हुई तो पाइथन के लिए वो क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, की होगी और बराबर में क्या होगा उसकी, वैल्यू. ठीक है,
उसके बाद अब हमें क्या करना है, इंडेंटेशन खत्म करना है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब ये लूप के पार्ट थे। क्यों लूप के पार्ट थे? पहले स्टूडेंट का नेम रीड करेगा, लूप होगा भाई 5 बार 6 बार 10 बार, हम जितने भी स्टूडेंट के नाम लिख पाएंगे वो लूप चलाएगा, तो ये लूप में आ गया। वैल्यू क्या होगी भाई, की होगी, जितने बार की रिपीट होगी उतनी बार ही वैल्यू रिपीट होगी, तो वो भी हमारा लूप में हो गया। कंपटीशन विनर हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें की और वैल्यू दोनों चीज़ें हैं, ये भी लूप का पार्ट हो गया। अब जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो लूप का पार्ट नहीं होगा, इसलिए हमने इंडेंटेशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और हमने उसमें मैसेज पास किया द डिक्शनरी इज नाउ, ये ऑप्शनल भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं, हमने अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया कि मैसेज हमने पास किया डिक्शनरी बनने के बाद में हमने यहाँ लिखा कि द डिक्शनरी इज नाउ, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद में बेटा अब हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, कंपटीशन विनर। क्यों प्रिंट किया कंपटीशन विनर, ये रहा यहाँ पे, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे दोबारा प्रिंट किया, क्योंकि अब इसमें क्या आ गई होंगी, की और वैल्यू दोनों चीज़ें आ गई होंगी, तो कंपटीशन विनर्स ये हमने इतना कंप्लीट किया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, रन। हाउ मेनी स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ लाइक मैं 2 स्टूडेंट का चाहती हूँ, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज अनामिका, द नंबर ऑफ कंपटीशन 1, सेकेंड स्टूडेंट नेम दिशा, द नंबर ऑफ कंपटीशन 4, द नेम एरर, विनर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ एरर हुआ है, चलो देखते हैं भाई। कंपटीशन विनर यहाँ पे तो सही लिखा है और यहाँ पे भी हमने सही कॉल किया है और यहाँ, अच्छा यहाँ पे हमने डबल एरर नहीं किया, ठीक है। देखो पाइथन एरर बहुत ही स्पेसिफिकली बताता है भाई, जहाँ देखो जहाँ एरर है वहीं वो दिखाएगा कि नेम एरर जो एरर होगा वो दिखाएगा, प्लस लाइन भी दिखाएगा, इस लाइन पे ये एरर आया है। तो बहुत यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, अगर कोई बोलता है पाइथन यूज़ करना बहुत टफ है तो नहीं, इट्स नॉट टफ। हमने इसको दोबारा क्या किया, रन किया। अब दोबारा करते हैं भाई, 1 स्टूडेंट कर, 2 स्टूडेंट का कर लेते, चलो अगेन द सेम नेम, अगेन द सेम एंड द सो, क्या हो गई अब हमारी, ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, जो मैसेज प्रिंट किया था वो आया हमारा, एंड उसके बाद हमने क्या डिक्शनरी बनाई, की आई फिर वैल्यू आई, फिर की आई फिर वैल्यू आई, ये हमारा क्या हो गया, डिक्शनरी स्टेटमेंट हो गया। अब समझ में आया, डिक्शनरी का एक ये सैम्पल प्रोग्राम था बेटा कि डिक्शनरी के प्रोग्राम किस तरीके से बनते हैं आपके, इतना समझ में आया। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर DM कर सकते हैं, डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे मुझे या इस लाइन में ये दिक्कत है, ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया, इसके बाद हम एक प्रोग्राम और देखते हैं डिक्शनरी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉर्टिंग। तो इसको हम लोग कमेंट में लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट्स मैंने बताए थे आपको क्या होते हैं, जब हम कोई चीज़ अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना हमने क्लियर किया, आगे बढ़ते हैं भाई, इसको ऊपर करो या फिर हमने यहाँ पे इसको, अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है बेटा, उस प्रोग्राम में एक गिविन लिस्ट है, क्या लिस्ट है, ए बी और सी, पहले प्रोग्राम समझ लो बनाना क्या है। उसने बोला लिस्ट 1 है ये जो है वो क्या है बेटा, लिस्ट 1 है, ठीक है। ऐसा प्रोग्रामर आपको बोला है कि ये लिस्ट 1 है ए बी सी, और उसने बोला हियर इज ऑल्सो लिस्ट 2, एक लिस्ट 2 भी है और उसमें एलिमेंट क्या है भाई, एच आई जे, मैंने ये स्ट्रिंग में नहीं लिखे हैं, ये स्ट्रिंग है, आपके अल्फाबेट ये सब इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एच आई जे, और क्या है बेटा, लिस्ट 3। अब लिस्ट 3 क्या है भाई, उसके लिए 0, 1, 2, अब ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, 1, 2, 3। अब उसने ये बोला है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ दे वो जो क्या करते हैं, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 को, यानी लिस्ट 2 लिस्ट 3 ए रही और लिस्ट 2, इन दोनों को किस में ऐड करते बेटा, लिस्ट 1 में ऐड करते। अब क्या हो जाएगा अगर इन दोनों को हम लिस्ट में ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके की लिस्ट बन जाएगी, 0, 1, 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी और एच आई जी, इस तरीके की लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी। उसको ये आउटपुट देना है, मैं दोबारा बता देती हूँ, 0, 1, 2 और ए बी सी और एच आई जे, इस टाइप का आपको क्या देना है, आउटपुट देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना शुरू किया, कौन कौन से, लिस्ट वन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें हमने क्या लिखा बेटा, ए बी सी, ये तीन लिस्ट नाम के वेरिएबल लिए हमने, ठीक है इतना हो गया। और लिस्ट टू नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें हमने क्या लिखा, एच आई और जी, ठीक है, सॉरी एच आई जी कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिवन हो तो फिर बहुत वाइजली लिखना, ठीक है। और हमने एल थ्री नाम की एक लिस्ट और ली और उसमें हमने क्या लिखा, जीरो वन एंड टू, इतना क्लियर, तीन लिस्ट हम ले चुके हैं। अब हमने एक मैसेज दिया इसको कि क्या करना है, ओरिजिनली प्रिंट करा देना है, जब ये तीनों चीज़ें प्रिंट होगी तो वहाँ नीचे क्या लिख के आएगा कि ओरिजिनली, यानी ओरिजिनल लिस्ट क्या है, ये है, ये भी हमने किस क्या किया, अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया, ओरिजिनली ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर करने के बाद में हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया दोबारा और उसमें हमने क्या कर दिया, लिस्ट वन को इक्वल किसके कर दिया, यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, जो लिस्ट वन है वो क्या है, ये हमें प्रिंट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने रखा और हमने किसको, एल वन को कॉल कर लिया, तो क्या प्रिंट होगा, लिस्ट वन लिख के आएगा और क्या लिख के आएगा, एल वन जो आपकी लिस्ट होगी वो लिख के आएगी, यानी एल वन क्या है, सॉरी एल वन क्या है आपका, विटामिनिट एल वन क्या है आपका, ये, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने और लगाया, तो ओरिजिनली लिस्ट ये प्रिंट करेगा। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया एल वन, ठीक है, फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया, अब हमने सेकेंड लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए क्या कि लिस्ट टू जो है वो ये है, क्या है, एल टू को कॉल कर दो, अपने आप प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट और यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट, सॉरी लिस्ट थ्री, ये क्या हो गया, लिस्ट थ्री को प्रिंट कर देगा, कैसे, एल थ्री को कॉल कर लो, ये हमारा हो गया। इतना क्लियर करने के बाद में अब हमें क्या करना है, लिस्ट वन में अपेंड करना है किसको, लिस्ट टू को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल वन डॉट अपेंड, एल वन में अपेंड किया किसे बेटा, एल टू को, यानी अब एल वन के बाद क्या आ जाएगा, एल टू, ठीक है, एल वन एल टू ए बी सी एच आई जी हो जाएगा, ठीक है, एल वन में एल टू को अपेंड कर दिया। इतना क्लियर किया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने एल वन में इंसर्ट कराया, क्या इंसर्ट कराया बेटा, इंसर्ट कराया किसको, फर्स्ट एलिमेंट, जीरो क्या हो जाएगा, वन एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट किसका, एल थ्री का, एल थ्री का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया, क्या, आफ्टर एडिंग टू लिस्ट एज इंडिविजुअल एलिमेंट, लिस्ट इज नाउ, अगर हम दो इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, आफ्टर या जो भी मैसेज कन्वीनियंट लगे वो लिख दो, आफ्टर एडिंग एलिमेंट, यहाँ जो आप अंडर प्रिंट करोगे ना वो आपको प्रिंट करा के देगा, ठीक है, ये हमने इतना मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, एल वन, ठीक है, एल वन में दोनों चीज़ें अपेंड हो चुकी हैं बेटा, तो वो नई वाली जो एल वन होगी वो प्रिंट होगी। जैसे हमने इसको रन कराया, यहाँ पे क्या आ गया, ओरिजिनल लिस्ट कैसी थी हमारी, ए बी सी थी, एच आई जे थी और जीरो वन टू थ्री, एलिमेंट ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो कैसे ऐड किया इसने एलिमेंट, एल वन में अपेंड किया एल टू, एल वन में ये क्या थी, एल वन ए बी सी थी, इसमें क्या हुआ अपेंड, एल टू अपेंड हुआ, एल टू क्या है, एच आई जे है, तो पहले क्या प्रिंट होगा, सॉरी एच ए बी सी और एच आई जे सिक्वेंस में आएंगे, कैसे सिक्वेंस में आएंगे, इस तरीके से आएंगे, ए बी सी और क्या आएगा, एच आई जे, इस तरीके से आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है, कैसे प्रिंट होगा, जब हम ये वाला फंक्शन करेंगे तब, क्योंकि L1 में अपेंड हो रहा है ना L2, उसके बाद उसने ये कहा है कि जो L1 है उसमें इंसर्ट करा दो जीरो से, कौन सा एलिमेंट, L3 वाला, तो L3 वाला जीरो से यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट कहाँ होगा, आगे, जीरो वन और टू, तो लिस्ट हमारी कैसी बनेगी, जीरो वन टू ए बी सी और एच आई जी, तो देखते हैं यही प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ हमारा। जैसे हमने यहाँ देखा क्या था,
जीरो वन टू थ्री ए बी सी और एच आई जे, यही तो था जीरो वन टू थ्री ए बी सी और एच आई जे। समझ में आया कैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट का यूज़ किया, एंटर का, इंसर्ट का, सॉरी अपेंड का, ये फंक्शंस मैंने आपको इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन किए थे। तो आज के सेशन में हम दो कंप्लीट करते हैं प्रोग्राम, फर्स्ट वाला वो और सेकेंड वाला ये, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा कौन सा होगा? शॉर्टिंग, और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और ट्राई करना शेयर करने का, लाइक कमेंट।